ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को समझ आ रहा है लिनक्स से उबंटू है मैक ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग विंडोज यूज करते होंगे और तो विंडोज यूज करते हैं तो उबंटू लिनक्स मैक ओएस मैक आता है मैकबुक में आपको इन तीनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप विंडोज यूज करते हो बट अगर आप इस कंपनी में जाओगे तो वहां जरूरी नहीं कि आपको विंडोज पे काम करना है आपको मैक मिल जाएगा ये हमारे कंपनी का एक फ्रेंड है कि किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको वेलकम फील मिलता है ठीक है इसमें आपको एक लैपटॉप मिलता है पार्टनर मिलता है कॉफी मग सब कुछ मिलता है इसमें हो सकता है आपको विंडोज मैकबुक मिल जाए या उबंटू लिनक्स पे काम करना पड़ेगा तो आपको कैसे करना है आपको इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि लिनक्स और उबंटू है और इसके लिए आपको अलग अलग सदस्य का लैपटॉप खरीदना है आप वर्चुअल मशीन जानते हो आपको कोई जानते हो वर्चुअल मशीन वर्चुअल मशीन के बारे में तो वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर वीएमवेयर आता है जिसमें आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली चला सकते हो वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपको अलग अलग लैपटॉप करने की जरूरत नहीं आता तो विंडोज मैक यूज कर सकते हो या आप चाहे तो लिनक्स यूज कर सकते हो या अगर आपको चाहे तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने विंडोज मशीन में यूज कर सकते हो तो आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए लिनक्स या उबंटू है लिनक्स काली लिनक्स का नाम आप लोगों से लोग उबंटू है मैक है सब कुछ उसके बाद सेकेंड पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स आपको फर्स्ट ईयर से अगर एक प्रोग्रामर बनना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स को क्लियर होना पड़ता है ऐसा नहीं कि पहले जावा सीखना स्टार्ट करें पहले आपको सी सीखना है उसके बाद सी प्लस प्लस और जावा सीखना है और कुछ लोग होंगे जो डायरेक्ट सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बता दूँ उसमें भी आपको सी का क्रैश कोर्स कराया जाता है तभी आप सी प्लस प्लस कर सकते हो अगर आपको सी नहीं आता है तो आप सी प्लस प्लस नहीं कर पाओगे ना जावा कर पाओगे इसलिए आपको सी से स्टार्ट करना है सी प्लस प्लस फिर जावा में जाना है आगे पाइथन में अगर डेटा साइंस में जाना है तो पाइथन में उसके बाद अब बी सी ए में लोग अभी थे कि बी सी ए करना है तो बस बी सी ए बाद वेब डेवलपर बन सकते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं उसके अलावा बहुत सारे फील्ड है जैसे आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो एंड डेटा साइंस में जा सकते हो अब वेब डेवलपमेंट में तीन टाइप्स होते हैं फ्रंट एंड होता है बैक एंड होता है फ्रंट एंड होता है फ्रंट एंड होता है बैक एंड होता है एंड सिस्टम फ्रंट एंड बैक एंड किसी को पता है क्या होता है कोई बता सकता है फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट किसी को आइडिया है सेकंड ईयर सर वो फ्रंट एंड होता है क्या जैसे कोई वेबसाइट खोलते हो वेब ब्राउजिंग करते हैं ना फ्रंट एंड है जी मैंने जी सर फाइनल मैंने बताया था थर्ड ईयर वाला किसी को है थर्ड ईयर मैंने थर्ड ईयर मैं आ गए सकल मत छुपा ठीक है किसको नहीं पता अरे ठीक जरूर पूछा जाएगा तो फ्रंट एंड से वो फ्रंट एंड बैक एंड आपको पता होना चाहिए कि अगर वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में आवाज ने ध्यान से सुनो ठीक है तो फ्रंट एंड बेसिकली होता है कि आपको वेबसाइट ओपन करते हो तो जो भी आपको कंटेंट फ्रंट में दिखता है दैट इज नॉट फ्रंट एंड वो आपको फ्रंट एंड का पार्ट है एंड आप सब तो अपने कॉलेज का फॉर्म भरा एडमिशन का तो वहां पे आप जो डेटा इनपुट करते हो अपना नाम डालते हो डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो वो सारा डेटा कहां जाता है सर्वर पे कहीं पोस्ट होता होगा इसलिए होस्टिंग होता है तो वो जो डेटा को इनपुट करके डेटा बेस में स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है वो बैक एंड का काम होता है ठीक है तो फ्रंट एंड बेसिकली क्या है वेबसाइट को तो ये वेबसाइट है आप वेबसाइट को फ्रंट एंड देखो फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है ये भी आपको पता होना चाहिए जो ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा या जिनको नहीं पता होगा उनको अगर पहले पता चल जाएगा तो आपको आगे एक रोडमैप होगा तो आप इजीली सीख सकते हैं नहीं पता होगा तो दो साल तीन साल बाद पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम होगा पहले पता होगा तो ठीक है तो फ्रंट एंड में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट यूज एचटीएमएल क्या होगा आप सपोज करो कोई कार बना रहा है ठीक है कार अगर बनाते हो तो कार का मॉडल तैयार करते हैं तो बेसिकली जो मॉडल है उसका जो कंटेंट मेन कंटेंट होता है वेबसाइट पे ये सपोज वेबसाइट अभी बीसीए फर्स्ट ईयर रोड में देखो ये कंटेंट देखिए इससे बनेगा ये एचटीएमएल में लिखा है इसमें सीएसएस को कोई नहीं तो जो आपको कंटेंट मेन दिखता है कि कार का मॉडल तैयार करो प्रोटोटाइप हो गया बेसिकली एचटीएमएल कार वैसे ही व्हाइट कार भी होती है एक्सेप्शन है कार कलर भी होती है रेड हो गया ब्लैक हो गया पिंक हो गया कुछ भी हो गया तो जो कलर का डिजाइन का स्टाइल का पार्ट होता है वो काम होता है सीएसएस उसको आप सीएसएस से कर सकते हो अब कार बना ली सब कुछ कलर वगैरह हो गया कार बस खड़ी रहेगी चलाना भी था उसको तो कार को चलाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा मेन मैकेनिज्म इंजन हो गया उसमें व्हील लगेगा ये सारे मैकेनिज्म होते हैं जावास्क्रिप्ट में अब जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट में कैसे लिखते हैं वेबसाइट में सपोज आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई वेबसाइट चलाते हो आप लोग जो रिफ्रेश करते हो सर्वर पर भी रिफ्रेश होता है या फिर आप किसी बटन पर क्लिक करते हो एनिमेशन होता है अगर आप जावास्क्रिप्ट को नहीं लगाओगे तो आपकी वेबसाइट एकदम मतलब अच्छी नहीं दिखेगी एनिमेशन बिल्कुल नहीं करेगा आपको कुछ भी रिफ्रेश कर दिया कोई एनिमेशन का पार्ट नहीं है तो वहाँ पर लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं एंड जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड में ही नहीं आप बैक एंड में भी यूज कर सकते हो हम बैक एंड में यूज करने के लिए आपको पाइथन हो गया आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो पाइथन का पीएचपी भी यूज कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो आपको अगर बैक एंड सीखना है तो पहले पीएचपी से स्टार्ट तो पीएचपी ईजी पड़ेगा आपको एक महीने दो महीने में आप पीएचपी आराम से सीख सकते हो उसके बाद बैकएंड में होता क्या हम लोग पीएचपी जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट हमको बैकएंड में यूज करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का रन टाइम रिक्वायरमेंट होता है
आप लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट बैकएंड यूज करने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जावास्क्रिप्ट का, इसको बोलते हैं नोड जेएस। आप लोग उसको उसकी हेल्प से बैकएंड बना सकते हो, या फिर अगर आपको पाइथन में बैकएंड बनाना है तो जेंगो का यूज करते हैं, पाइथन का फ्रेमवर्क है, आपको जेंगो के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड अगर पीएचपी आप यूज करते हो तो स्पेसिफिकली पीएचपी को यूज करना, उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है। एंड ये तो पार्ट हो गया कि आपको बैकएंड से इनपुट कैसे लेना है, बैकएंड की जो लैंग्वेज है वो इनपुट लेने के काम में आती है। अब डेटा को आपको कहीं स्टोर करना होगा तो डेटा को स्टोर करने के लिए डीबीएमएस का यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो आप अभी थर्ड ईयर में आओगे तो पढ़ोगे डीबीएमएस में क्या करते हैं, MySQL होता है एंड MongoDB होता है। अभी जो लेटेस्ट मॉडर्न कंपनी यूज कर रही है वो MongoDB होता है एंड MySQL भी होता है, जिसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये हो गया वेब डेवलपमेंट कंप्लीट, फ्रंट एंड बैक एंड। और ये जो फ्रंट एंड और बैक एंड काम जो दोनों कर लेते हैं, इनको दोनों आता है, उनको फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं। अब दूसरा करियर अपॉर्चुनिटी से साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता है कोई जानता साइबर सिक्योरिटी के बारे में? तो बीसीए के बाद आप साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में इसलिए होता है एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग आपको जानते होंगे, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं, बिना किसी परमिशन के आपका डेटा ग्रैब कर लेते हैं, कुछ भी गलत यूज करते हैं। एंड व्हाइट हैट हैकर होते हैं आपसे परमिशन लेंगे, जैसे जो कंपनी में काम करते हैं उनको एथिकल हैकर, वो आपको परमिशन लेके आपके डेटा को हैक करेंगे, उसको बताएंगे क्या बग्स है, क्या वल्नरेबिलिटी है बताएंगे। और ग्रे हैट हैकर होते हैं वो मजा लेते हैं हैकिंग करते हैं, किसी का डेटा हैक कर लिया उसको ब्लैक मेल करेंगे। तो ये तीन टाइप के हैकर होते हैं। तो हैकर सब जो इलीगल होता है इसलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी में हैकर नहीं बोलते हैं, पेनेट्रेशन टेस्टर बोलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा पेनेट्रेशन एथिकल हैकर होते हैं, उनको हम लोग पेनेट्रेशन टेस्टर बोलते हैं। तो बेसिकली वो करते क्या है, आपकी ऐप्स को जो सबसे अमेजोन है, अमेजोन ने अपनी कंपनी बना दी, एक सॉफ्टवेयर बना दी, तो सॉफ्टवेयर ऐसे छोड़ा थोड़ी नहीं होगा, तो इसके लिए पेनेट्रेशन टेस्टर रखा होगा जो क्या करेगा उनके सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करेगा। उसमें भी साइबर सिक्योरिटी में भी कई तरह की सिक्योरिटी होती है, कोई वेबसाइट को प्रोटेक्ट करा, कोई ऐप को प्रोटेक्ट करा। तो साइबर सिक्योरिटी बनने के लिए बेसिकली आपका सिर्फ पीसीए से काम नहीं चलेगा, इसमें अगर आप पीसीए नहीं करना तो आप साइबर सिक्योरिटी अरेंजमेंट बन जाएगा। बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पीसीए का कॉन्टैक्ट भी कर लिए तभी आप साइबर सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं बन सकते, आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकर का बेसिक सर्टिफिकेशन है जो कि आपको करना पड़ेगा, जो पीसी काउंसिल कॉन्टैक्ट करवाती है साइबर सिक्योरिटी में। ये जो सीएस का सर्टिफिकेशन है इस पे आपको कोर्स रहेगा 5-6 महीने का, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद होता क्या है, ये आपको 4-8 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको 4 मशीन दी जाएगी, 4 मशीन का आपको आईपी एड्रेस दिया जाएगा हैक करने के लिए। और आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि ये फोन का है या कंप्यूटर का है, सुपर कंप्यूटर का, कुछ भी नहीं बताया जाएगा, आपको उसको खुद से एनालाइज करना है। एंड उसके बाद आपको पता करना है किस मशीन का है और 8 घंटे के अंदर आपको 4 मशीन को हैक करना है। अगर आप हैक कर लोगे तब आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा, आपको 2 साल के बाद फिर से उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, फिर सर्टिफिकेशन क्रैक करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सीएस का सर्टिफिकेशन है तो आप किसी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, उससे एडवांस लेवल जाना है तो ये सीवी का सर्टिफिकेशन होता है। लिनक्स का नाम मैंने बताया, लिनक्स जो काली लिनक्स जो कंपनी है वही एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ओएससीबी का होता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, जिसमें 24 घंटे का कंटिन्यूस एग्जाम होता है, 23 घंटे 59 मिनट लगातार एग्जाम होता है, आपको 8 मशीन हैक करना होता है। तो यही सेम प्रोसेस है, आपको आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि किस मशीन का आईपी एड्रेस है, आपको पहले पता करना है। तो 24 घंटे के अंदर कंटिन्यू वो आपको मॉनिटर करते रहेंगे, वीडियो से कैमरे से मॉनिटर करते रहेंगे, कुछ भी नहीं किसी से पूछ के हैक करते हैं ऐसा नहीं, तब आपको एसएबी का सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये प्रोसेस है अगर सारे सिक्योरिटी में जाना है। अब तीसरा प्रोसेस है डेटा साइंस, डेटा साइंस के बारे में कुछ पता है? तो डेटा साइंस आज के टाइम बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, ये इसलिए डिमांडिंग है कि स्किल्ड लोग नहीं है जिनको डेटा साइंस आता है, नाम सबको पता है लेकिन आता किसी को नहीं, इसलिए जॉब इसमें बहुत है। एंड 2025 तक अभी $15 बिलियन की ग्रोथ होने वाली है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के लिए इसलिए लोग 2 लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, पहले समझ डेटा साइंस होता है। आप लोग यूट्यूब चलाते हो, ठीक है, यूट्यूब का सपोज करो कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप सपोज करो आपने कोई कोड डिजाइन में आते हो, ठीक है, सपोज करो उनकी वीडियो आपने देखी यूट्यूब पे, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप यूट्यूब खोलेंगे मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि कोड डिजाइन की वीडियो आपको सामने मिलेगी, या सपोज करो आपको गाना सुन रहे सैड सॉन्ग सुन रहे हो या कोई रेगुलर मूवी देख रहे हो, अगर आपने हॉरर मूवी देखी है तो नेक्स्ट टाइम अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको हॉरर मूवी सामने जरूर देखिए क्योंकि आपने वही देखा। तो डेटा साइंस करता क्या है, इसलिए वो ढेर सारे डेटा कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसमें से इंसाइट्स को निकालता है, मतलब इंसाइट्स मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि यूजर के लिए क्या हो सकती है। एंड दूसरा एग्जाम्पल आप लोग जीमेल यूज करते होंगे, ठीक है, जीमेल में क्या होता है एक स्पैम का फोल्डर होता है, अब जीमेल को ऐसा होता है कि स्पैम कौन सा ईमेल स्पैम के लिए कौन सा प्रमोशन के लिए, तो ये भी डेटा साइंस के थ्रू होता है। आप लोग नेटफ्लिक्स यूज करते होंगे, इस पर मूवीज वगैरह देखते होंगे, तो आप जिस टाइप की मूवी देखेंगे उसी कैटेगरी का आप मूवी देखते हो। सपोज आपने फ्लिपकार्ट पर पेन ड्राइव देखी, मुझे पेन ड्राइव देखी, दूसरी बार अगर आप यूट्यूब खोलोगे
आपको पेन ड्राइव वही सेम पेन ड्राइव मिलेगी नहीं, वो डेटा साइज जो होता है वो आपको ट्रैक करते रहते हैं, जो जिस टाइप का डेटा देखना चाहते हैं वो आपको बार बार दिखा रहे हैं। लोग आईफोन यूज करते हैं, आईफोन का एड्स नहीं आते, तो गूगल के एंड्रॉइड अगर आपको एक बार कोई चीज़ देखी तो आपको बार बार वही देखें जब तक आप उसको परचेस ना कर लो, जब तक आप लोग ना। तो डेटा साइंस के लिए हम लोग पाइथन एंड आर का यूज करते हैं, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए तो बेसिकली मोस्ट ऑफ दी पीपल यूज करते हैं पाइथन यूज करते हैं। तो पाइथन में अगर आपको डेटा साइंस ऐसा नहीं किया पाइथन के आपको पूरा पाइथन सीखना पड़ेगा, पूरा पाइथन किसी को नहीं आता, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली डेटा साइंस के लिए दो लाइब्रेरीज यूज होती है पाइथन, एक नंपाई होता है पांडास होता है, जो कि आपको स्टार्टिंग में सीखना है अगर आप डेटा साइंस से जाना चाहते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि आपको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, जो सेकंड ईयर में वो भी पढ़ रहा है स्टैटिक्स उनका होगा थर्ड सेमेस्टर में, एंड आप लोग ये याद पढ़ेंगे या इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा ही होगा, मीन मीडियन मॉड पढ़े हैं, मीन मीडियन मॉड का एडवांस लेवल भी अभी आप लोग पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो स्टैटिक्स जरूरी है। तीसरा चीज़ होता है डेटा विजुलाइजेशन, डेटा विजुलाइजेशन ये होता है कि आपको क्या करना है, डेटा को विजुलाइज करना है, मतलब साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल जो डेटा है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना है। अब डेटा विजुलाइजेशन में बहुत सारा डेटा होता है, उसके लिए आपको ऐसे पेन पेपर लेके विजुलाइज करना है, उसके लिए दो लाइब्रेरी होती है पाइथन, एक होता है सी बॉर्न होता है एक मैटप्लॉटलिब, तो ये दोनों लाइब्रेरीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जैसे जितना भी आपने सुने हैं ये सारा डेटा साइंस के अंदर ही करते हैं। तो ये हो गया डेटा साइंस का होता है, वेब डेवलपमेंट का होता है साइबर सिक्योरिटी, आप इसमें से कोई भी एक फील्ड चूज कर सकते हो। तो ये सब फर्स्ट ईयर का होगा, फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या करना है। तो सेकंड ईयर में जो अभी पढ़ रहा है वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का अभी से आप जॉब कर लोगे तो जॉब में भी आपको डेटा स्ट्रक्चर का काम आएगा, डेटा स्ट्रक्चर से मैं बोलता हूँ आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए, कि आपका लॉजिक थोड़ा इंप्रूव होता है। तो बीच फॉर बीच आपको ध्यान दें, कुछ भी सर्च किए होंगे फंडामेंटल के बारे में, तो बीच फॉर बीच पर पहुँच ही गए होंगे, उस पर लिंक बोर्ड है करेंगे सारे बच्चा को यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट है कि उन सब क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि आपको आगे काम है। तो पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर देना, आपको सेकेंड ईयर भी स्टार्ट करें, उसके बाद नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन वैसे भी आपको मीटअप्स करना है। मीटअप्स का मतलब जो या तो कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं बड़े लेवल पे हैं उनसे आप मीटअप्स कर सकते हो कि वो आपको रोड मैप शेयर करेंगे कि क्या कैसे आगे करना होता है। हैकाथॉन से जा सकते हो, हैकाथॉन में होता है कि आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट से आपको नॉलेज होगा कि कैसे क्या या वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस पर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको ग्रुप में हेल्प होगा। एंड लिंक्डइन का इशू, लिंक्डइन जानते हैं आपको यूज करता है, आपको इंस्टाग्राम चलाते हैं सब लोग यूज करता है, एक लड़का हो गया पता है कुछ लिंक्डइन के बारे में यूज करते हैं इंस्टाग्राम सब लोग चलाते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, आपको चलाना स्टार्ट कर दीजिए, इसलिए कि यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। और हर एक कंपनी में हर एक कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, तो अगर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना है तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी चाहे वो इंडिया से लेके या अमेरिका से लेके कहीं की कंपनी है सारी आपको लिंक्डइन से लिस्टेड मिलेगी, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक्डइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप लिंक्डइन में सपोज करो आपने गूगल को खोल लिया, ठीक है, गूगल कंपनी को आपने सर्च करके ओपन किया, वहाँ पर सपोज जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, आप उस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपको नीचे सब कुछ दिख जाएगा कि उनको क्या स्किल्स चाहिए उस जॉब के लिए, तो आप सिंपल स्किल्स को सीख के जॉब के लिए अप्लाई करके ग्रैब कर। तो लिंक्डइन आपको यूज करना है, लिंक्डइन का कनेक्शन बनाना है उनसे, सपोज आपको आप सर्च करो कौन गूगल कंपनी में जॉब कर रहा है, कौन गूगल में जॉब कर रहा है, तो आप उनसे सर्च करो और उनसे बात करो लिंक्डइन, वो आपको बताएंगे गूगल में जाना तो क्या रोड मैप है। एंड ऐसा नहीं कि आप किसी बार गूगल में नहीं जा सकते, गूगल में किसी भी कंपनी में जा सकते हो। सर ने आपको स्टार्टिंग में बोला होगा कि आप यहाँ पे एडमिशन लिए हो तो आपको 1,00,000 के प्रोजेक्ट, ठीक है, सर ने आप लोगों को बताया। तो आप जो कॉलेज में आए हो तो आप ये मत सोचो टू बी ग्रेजुएट, टू बी स्किल्ड बनने का सोचो, ग्रेजुएट बनो, तो आप लोग जो यहाँ पे पढ़ाई करो डिग्री ले लो, बस रसीद है, एक रिसिप्ट है कि आप यहाँ पे पढ़ाई किए हो बीसी, उसका कंपनी में जॉब के लिए कोई भी बस जॉब के लिए आपको एलिजिबल बनाएगा, उसका कुछ भी काम नहीं। अगर आपके पास स्किल नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करोगे तो जॉब करोगे 10,000 की, कोई बोलेगा बीटेक लेता है बीसीए लेता है, ये लोग हो सकता है मैं भी आगे जाके हो सकता है ये बोले वो भी बोल सकता है। अगर उनके लिए मैं बता दूँ देखो जो सेकंड ईयर में होंगे उनको धीरे धीरे समझ में आ गया कि मैं कोडिंग कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है, और जो फर्स्ट ईयर में है उनको कभी नहीं समझ में आया, सेकंड ईयर में आएगा समझ में आया। तो जो कोडिंग नहीं करना चाहते हैं उनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी से नया टेंशन करना भूल गया उसका UI/UX डिजाइनर जानते हो आपको नहीं जानते UI/UX डिजाइनर होता क्या है कि वेबसाइट सपोज करोगे HTML जैसे जावास्क्रिप्ट से बनी है
तो ये डायरेक्ट एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट नहीं बनता, इसका पहले कोई यूआई तैयार करता है, ग्राफिक्स के ग्राफिक डिजाइनर जिसको बोलते हैं। तो यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस होता है, यूआई एंड यूएक्स को बोलते हैं। तो जो यूजर इंटरफेस ड्रॉ करते हैं उसके बाद ये जो यूजर इंटरफेस ड्रॉ किया है यूआई का डिजाइनर, उसके बाद इसको वेब डेवलपर को दिया जाता है कि भाई ऐसा वेबसाइट बनाओ। वो डायरेक्ट उसको नहीं यहाँ से मेन पेपर्स बना के हाँ ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं बनता। पहले कोई यूआई का डिजाइनर होता है यूजर डिजाइन प्रोटोटाइप को, मतलब ग्राफिक्स की हेल्प से, ये मीडिया है ना, ऐसे ग्राफिक्स की हेल्प से वेबसाइट को तैयार करेगा, कि वो बटन कहाँ होगा या सबमिट बटन कहाँ होगा या कॉन्टैक्ट पर सब पेज कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें यूआई का डिजाइनर बनाता है। जो कि आपको फिग्मा या एडोब एक्सडी जैसा सॉफ्टवेयर है, जैसे वीडियो एडिटिंग होता है, सब कुछ सीख के आपको यूआई का डिजाइनर बन सकते हैं। इसमें कि आप 10-15 लाख के पैकेज में जा सकते हो अगर अच्छी डिजाइन हो तो। लेकिन नॉन कोडिंग जॉब है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो जैसे बीसीए में आया तो प्रोग्रामिंग सीखो, उसके बाद प्रोग्रामिंग में। तो लिंक्डइन कनेक्शन बनाना आपको जरूरी है, अगर आपको किसी भी कंपनी में जाना है तो आप उस जो उस कंपनी में जॉब करें उनको कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, उससे बात करो उनसे कि हाँ हम इस कंपनी में कैसे जा सकते हैं, आपने क्या किया था बीसीए में या एमसीए में, आपने क्या किया था कि आप गूगल में बेस्ट हो। तो लिंक्डइन कनेक्शन आपको जरूर बनाना है, आपसे लिंक्डइन चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाओ लेकिन लिंक्डइन के साथ चलाओ। ये था सेकंड ईयर। और थर्ड ईयर में आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिपेयर कोर सब्जेक्ट्स, आपको कोर सब्जेक्ट जो कि आपको बीसीए थर्ड ईयर में उनको तैयार करना स्टार्ट करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप फोर सेमेस्टर पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए, डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑप्स, ऑप्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपको सी प्लस प्लस पढ़ोगे उसी को ऑप्स होगी, सी प्लस प्लस या जावा, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होंगे। इन कोर सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, इसलिए क्या किसी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है। अगर आप एमसीए के लिए प्रिपरेशन करते हो पहले बस मैथ्स पूछा जाता था एंट्रेंस में, अब कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगे, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑप्स। एंड दूसरा है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, आपको थर्ड ईयर में आओगे या थर्ड ईयर में जो है प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, आप लोग थर्ड ईयर में आओगे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उससे सबसे पहले आपको काम करना है रेज्यूमे बिल्डिंग, कितने लोग रेज्यूमे बनाने आता है सेकंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर। कुछ पूछना चाह रहा है तो रेज्यूमे देखो, आप कितना भी आपको प्रोग्रामिंग आती है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और रेज्यूमे एक शॉर्ट लिस्टेड होने वाला रेज्यूमे नहीं है तो आप कंपनी में कुछ नहीं, आपको लिया ही नहीं जाएगा। आपको प्रोग्रामिंग कितनी आती है तो आप कंपनी में जाने के बाद बताओगे ना कुछ प्रोग्राम बना के, पहले तो आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आप कैसे इंप्रेस करोगे पहचान दो, उसके बाद कैसा आपका रिज्यूम, पहले तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होगा तब आप इंटरव्यू के लिए जाओ। एक अच्छा रेज्यूमे बनाना चाहिए, और रेज्यूमे आप जब भी बनाओगे तो रेज्यूमे सिर्फ एक पेज का होगा, सिर्फ पूरा कहानी नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ एक पेज का रेज्यूमे है, जो जरूरी चीज़ें बस वही डालो, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाना है, इंटर्नशिप कर रहा हो इंटर्नशिप डालो उसमें, या आप कहाँ 10-12 ग्रेजुएशन बस इतना ही, और हॉबीज नहीं मैं डाना रखता हूँ अच्छा क्या करेगा तुम, या मैं मूवीज देखता हूँ, क्या ऑफिस बैठा मूवी थोड़ी दिखा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं डालना, तो बस वही डालना है, इंटरेस्ट डाल सकते हो, स्किल्स क्या क्या है क्या एक्स्ट्रा कुछ स्किल्स है तो भी वो भी डाल सकते हो। तो प्रोग्रामिंग सबको आती है, बीसीए के बाद यहाँ करके जाओगे प्रोग्रामिंग सबको पता है, जावा सीखो सी प्लस प्लस सीखो, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा क्या है जो लोगों से अलग बना सकते, आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा तब जाके आप सेलेक्ट करोगे। तो पहले रेज्यूमे का 70-80% काम है जॉब में रेज्यूमे का, आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है, उसके बाद प्रोजेक्ट सिचुएशन आपको इंटर्नशिप करनी है सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का, आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगा भाई, लिंक्डइन मैंने बताया, लिंक्डइन पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड इंटर्न वाला एक वेबसाइट है या एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए आपको मिनिमम 2 प्रोजेक्ट बनाना है आपके थर्ड ईयर, वो तो कॉलेज बनाना ही बनाना है, आप नहीं बनाना बनाना चाहोगे तो भी बनाना ही पड़ेगा, 2 प्रोजेक्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, एक फिक्स सेमेस्टर बनाना पड़ेगा एक फिक्स सेमेस्टर। अब यहाँ जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे इनको अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो तो कुछ पता चलेगा ना, जैसे एचआर को आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आता है मुंह से बताने से थोड़ी होगा, उसको आपको बताना पड़ेगा ना, तो आपने प्रोजेक्ट बनाया तो दिखा सकते हो मैंने इसे काम किया। उसके बाद लास्ट ये आती है एमसीए जॉब एक्सपीरियंस, आप उनसे बहुत सारे लोग चाहते होंगे एमसीए करना, क्योंकि मिथ बना हुआ कि बीसीए के बाद जॉब नहीं कर सकते, अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, और लोग सोचते हैं कि बीसीए के बाद सिर्फ जूनियर डेवलपर बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, लेकिन आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, अगर आप स्किल्ड नहीं है तो वही कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनका सपना टूटा हुआ आई आई टी में नहीं जा पाया, आई आई टी में नहीं गए तो एन आई टी में आप जा सकते हैं। तो सी यू टी पहले हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था एम सी ए, तो अब सी यू टी हो गया है, इसमें आप एक फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है इंडिया सबके लिए एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, एंड रिजल्ट आने के बाद आपका जो भी स्कोर कार्ड होगा उसके थ्रू एक साथ हर एक कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं आपका जैसा भी आएगा। दूसरा लिंक्डइन, अगर आपको लिंक्डइन में आपको एनआईटी कॉलेज मिलता है, आईआईटी के बाद एनआईटी जाता है,
आप एनआईटी से जा सकते हैं एसजी के लिए नीचे के बाद, और अगर नीचे या सीयूईटी अगर आपको करना है तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, जो माया से है या बीकॉम से है कोई मतलब नहीं, आपको मैथ्स आना चाहिए और ये फोर सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए अगर आप आगे एसजी करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। अगर उसके बाद जॉब के लिए आप पीसीए के बाद जाना चाहते हैं, ये सारे मसलों में विप्रो है, पीसीए से कोर्सेस है, कंपनी नहीं है, कॉग्निजेंट है, डिवाइड है, सेंचर है, ये सारी ऐसी कंपनी है बिना एक्सपीरियंस के फ्रेशर्स को हायर करती है, सिर्फ बीसीए और बीएससी आगे वाले स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो ये उससे वहां से आपको एंटेक आएगा, बीसीए पर डायरेक्ट एंटेक करना चाहो तो नहीं करता, लेकिन वो आपको वन इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम होगा, डिप्लोमा को आपको एंटेक भी कराएंगे, बीसीए में आप जाते हो आपको एमसीए कराएंगे, मैनेजमेंट कराएंगे, बाकी कोर्सेस क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में सब में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि आपको आगे एमसीए कराएंगे। अगर आप एमसीए के बाद जॉब पर ये भी करना चाहते हैं, आप सोचो भी जॉब भी कर लें या डिग्री भी कर लें, कुछ होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको चलते हो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हो, तो अभी यूजीसी ने निकाला है डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप बीसीए के साथ ऑनलाइन डिग्री करके एनरोल कर सकते हो, आप घर बैठे उससे पढ़ाई करोगे, सैटरडे संडे वीकेंड में क्लास चलता है, साथ में आप जॉब कर सकते हो। अगर आप बीसीए के बाद आपके पास एक साल दो साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप बीसीए के बाद अगर आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी एमसीए की डिग्री उसके सामने कुछ नहीं है, सब उसको आपका कोई फ्रेंड है उसने एमसीए किया, दो साल बीसीए का जॉब किया, तो दो साल के बाद आपको जो हाई मिलेगी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एमसीए करके बाद प्रेशर नहीं रहेगा, और आपने बीसीए के बाद दो साल जॉब किया तो आपको जितना मिलेगा उसमें कंपनी में वैल्यू मिलेगी उतना उसको नहीं मिलेगा, तो प्रेशर होने से अच्छा है कि आप जॉब करो, अगर प्रेशर के बाद आपको जाना है तो इन सारी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं।